एक्सरसाइज नंबर एक, बारबल कर्ल। दोस्तों, इसमें बार को अपने शोल्डर विड्थ के थोड़ा बाहर से पकड़ें और कुछ इस तरीके से एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। इसमें अपनी बॉडी को ज़्यादा स्विंग ना करें, सिर्फ अपनी एल्बो को ही ऊपर और नीचे करें। इससे बाइसेप्स का शॉर्ट एड ट्रेन होता है और बाइसेप्स काफ़ी बड़े बनते हैं। आप इसके 3 से 4 सेट 10 से 12 रिपीटेशन के लगा सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, डंबल हैमर कर्ल। दोस्तों, इसमें डंबल को न्यूट्रल ग्रिप में पकड़कर एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से करें। इसे आप खड़े होकर या बैठकर किसी भी तरह कर सकते हैं। यह आउटर बाइसेप्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आउटर बाइसेप्स चौड़े बनते हैं। आप इसके 3 से 4 सेट 12 से 15 रिपीटेशन के लगा सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, स्पाइडर कर्ल। दोस्तों, इसमें इस तरह इंक्लाइन बेंच पर उल्टा लेटकर स्पाइडर कर्ल लगाएं। इसमें डंबल का इस्तेमाल करें। इससे बाइसेप्स कोर बनते हैं, बाइसेप्स शेप में आते हैं और बाइसेप्स पीक अच्छी बनती है। आप इसके 3 से 4 सेट 12 से 15 रिपीटेशन के लगा सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4, डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन। दोस्तों, ट्राइसेप्स को बड़ा करने की यह भी बेस्ट एक्सरसाइज है। इससे ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड तेजी से ट्रेन होता है। इस एक्सरसाइज को आप खड़े होकर या बैठकर किसी भी तरह कर सकते हैं। आप इसके 3 से 4 सेट 10 से 12 रिपीटेशन के लगा सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5, इनक्लाइन स्कल क्रशर। दोस्तों, यह भी ट्राइसेप्स के लिए काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इससे ट्राइसेप्स का साइज तेजी से गेन होता है। इसमें डंबल का इस्तेमाल करें। जब डंबल पीछे लेके जाएं तो ट्राइसेप्स को स्ट्रेच करें और ऊपर लाएं तो ट्राइसेप्स को स्क्वीज करें। इसमें सिर्फ अपने फोरआर्म्स वाले पोर्शन को ही ऊपर और नीचे करें। आप इसके 3 से 4 सेट 12 से 15 रिपीटेशन के लगा सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6, केबल रोप ट्राइसेप पुश डाउन। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को केबल पुली मशीन पर कुछ इस तरह से करना है। इसमें जब रोप को नीचे लेके जाएं तो ट्राइसेप्स को स्क्वीज करें और फिर ऊपर लाएं तो ट्राइसेप्स को अच्छी तरह से स्ट्रेच करें। इससे ट्राइसेप्स में अच्छी कटिंग आती है। आप इसके 3 से 4 सेट 10 से 12 रिपीटेशन के लगा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी एक बार कॉमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।